राजस्थान को जैविक प्रदेश बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करने के लिए? देवताओं, हमारे जो आराध्य देव है उनके पूजन के साथ साथ में गाय के पूजन से हम लोगों को अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से दिन अच्छा निकलेगा और दिन भर गौ माता का आशीर्वाद भी रहेगा। अभी जैसे गोवंश की जो स्थिति है, भाई गाय से हमें सब कुछ मिलता है। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है और गाय के अंदर 33 कोटि देवता बसते हैं। गाय का दूध भी हमारे काम आता है, गाय का गोमूत्र भी काम आता है। गोमूत्र को गंगा जल के समान पवित्र माना है और गाय के गोमूत्र से गो अर्क भी बनता है और गो अर्क से कई सारी बीमारियां मनुष्य के जीवन में जो है, चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, चर्म रोग हो, इस तरह की कई सारी बीमारियां भी ठीक होती है। गाय का गोबर भी काम आता है और गोबर से किसानों की खेती भी होती है। जब घर में कोई पवित्र काम होता है तो गाय के गोबर से आंगन को पवित्र भी हम लोग करते हैं। तो गाय का गोबर जिस हिसाब से देखा गया कि देसी पवित्र है, निश्चित रूप से भाई पहले हमारी गौ माता को हम पूजते थे। गौ माता को हमारी संस्कृति में माता का दर्जा है और जब हमारा देश विश्वगुरु था उस समय हर घर में गाय होती थी। कोई घर ऐसा नहीं होता था जिसमें गाय नहीं होती थी। तो गाय घर में होती थी तो जो संस्कृति हमारी आबाद थी और गाय के प्रभाव से निश्चित रूप से हर घर में सुखमय वातावरण रहता था, शांति रहती थी। तो धीरे 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 गोवंश के प्रति लोग उदार होते गए और पालन धीरे धीरे कम होता गया। कई जैसे अपन देखते हैं गाँव में रोड पे कई गाय बेसारा घूमती है, नंदी की कोई परवाह करते नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को गाय के बारे में और सोचने की ज़रूरत है भाई, हमारी संस्कृति आबाद रहे और गाय को जो माता का दर्जा है तो माता के रूप में हम उनको माने और उनकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो भारत है वो पुनः विश्वगुरु बनेगा। वैसे मोदी जी का सपना है और हम सबका उद्देश्य है कि भारत विश्वगुरु बने और इस दिशा में मोदी जी बहुत सारे काम कर रहे हैं, विकसित भारत बने और आत्मनिर्भर भारत बने, इस दिशा में भी मोदी जी काम कर रहे हैं। और 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 2047 100 वर्ष जब आज़ादी के पूरे करेगा भारत, तो निश्चित रूप से विश्वगुरु बनेगा और इसी दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए और विश्वगुरु की दिशा में मोदी जी पूरा आगे का 25 वर्ष का प्लान है और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी इस दिशा में हमारी जो संस्कृति है ना, सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना है। आज कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, भाई हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें पशुओं को भी पूजते हैं हम नदियों को भी पूजते हैं, जल को भी पूजते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम पक्षियों को भी पूजते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब जो संसार पे रहने वाला वो पूरा का पूरा हर जीव जंतु हमारा कुटुंब है और कुटुंब में सबको हमको साथ लेने की जरूरत होती है। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति है वो गौ माता से शुरू होती है। तो हमें गौ माता को के संरक्षण की जरूरत है, उनको उनके रख रखाव की जरूरत है, उनको माता के रूप में पूजने की जरूरत है। देसी नस्लों का विकास और संरक्षण किस प्रकार हो पाएगा जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि डेयरी फार्मिंग में विदेशी नस्ल ज़्यादा हावी है? विदेशी नस्ल लोगों को आजकल क्या है कि थोड़ा धन के प्रति है ना ज़्यादा रुझान हो गया भाई। पहले धन कमाने की लोगों में इतनी लालसा नहीं थी, लोग पहले प्राथमिकता अपनी संस्कृति को देते थे
अपने सनातन को दे देते। अब लोगों को पैसे का किस चीज़ में धन ज़्यादा मिलता है उसका प्रयास हमेशा ज़्यादा रहता है। देसी नस्ल में जो दूध है वो कम निकलता है और विदेशी नस्ल में दूध ज़्यादा निकलता है, तो उसी लालच के हिसाब से लोग उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। गाय के संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? गाय के संरक्षण के लिए अभी तो हमारी सरकार ने शपथ ली है, आज मंत्रिमंडल, आज मैं पदभार ग्रहण करूंगा मंत्री के रूप में। निश्चित रूप से इसको पूर्ववर्ती सरकार ने तो वैसे कोई विशेष ध्यान दिया नहीं और उन्होंने कोई गौशालाएँ खोलने के लिए भी घोषणाएँ की थी लेकिन गौशालाएँ भी कहीं खुली नहीं, और पंचायत समिति स्तर पर गौशाला खोलने की भी घोषणा की थी, गौशालाएँ खुली नहीं। और निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो उद्देश्य है कि गाय माता को हम प्राथमिकता दें, और इस संबंध में जैसे अब कोई नवाचार करेंगे, योजनाएं बनाएंगे और आने वाले समय में गौ माता के संबंध में अब सब मिल करके गौशालाओं, मैं तो सबसे पहले तो गौशालाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा।